खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चांद पर तिरंगा फहराने के लिए भारत तैयार। आज दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 चांद के सफर के लिए रवाना होने वाला है और ऐसे में देश से किस तरीके की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, जल्दी से आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये दो तस्वीरें आ रही हैं और दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चंद्रयान 2 को लेकर उत्साह। एक तरफ कानपुर जहां पर प्रार्थना का दौर जारी है, पूजा पाठ किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूरत की तस्वीर देख रहे हैं आप। सूरत में रंगोली बनाकर चंद्रयान 2 की तस्वीर उकेरी जा रही है। तो चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा और हर हिंदुस्तानवासी इस वक्त उत्साहित है। पहली बार हिंदुस्तान के कदम चांद पर पड़ने वाले हैं। देखिए, तकनीकी वजहों से पिछली बार रविवार को 15 जुलाई को लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच आ गया था और इस वजह से वो टाली गई और आज मतलब 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 चांद के सफर पर निकलेगा। फिलहाल इससे जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं मांद्रा के पास। बिल्कुल रोमाना, इसरो के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग है आज। पूरे देश को बेसब्री से इस पल का इंतजार है चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में। बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को बड़ी बातें बताते हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग दोपहर 2:43 पर होगी। चांद पर 6 सितंबर को लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है और उस दिन का भी बेसब्री से यहां पर इंतजार हो रहा है। अब 55 के बजाय 48 दिन में चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान, तो जो ट्रैवल का वक्त है वो कम हो गया है। चांद पर खनिज वातावरण की जांच करेगा चंद्रयान 2, ये बेहद अहम जानकारियां चांद से जुड़ी जुटाने जा रहा है चंद्रयान 2। रोमाना, तो देखिए भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन। आज मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग और ये लॉन्चिंग पहले 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ तकनीकी खामी की वजह से इसे टाला गया। दरअसल भारतीय वैज्ञानिक बड़ी ही बारीकी से इस मिशन के हर पड़ाव पर नजर रखते हैं और लॉन्चिंग टलने के बाद मिशन कामयाब होने का चांस अब और बढ़ गया है। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारत इतिहास रचने से सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है। दोपहर 2:43 पर मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का वक्त तय हो चुका है। यह लॉन्चिंग पहले 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में तकनीकी खामियों की वजह से लॉन्चिंग रोक दी गई और फिर 22 जुलाई की नई तारीख तय की गई। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि चंद्रयान की लॉन्चिंग के टलने से हमारी साख पर सवाल खड़े हुए हैं, तो वो पूरी तरह गलत है। हकीकत यह है कि अब हमारे मिशन के कामयाब होने के चांस और बढ़ गए। 5 नवंबर 2013 को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने एक नया अध्याय लिख दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों की क्षमता का पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया था। भारत ने श्रीहरिकोटा से बेहद कम बजट में सफलतापूर्वक मंगलयान लॉन्च करके सबको हैरान कर दिया था। नासा ने जो वैसे ही किया सैटेलाइट का, उन्होंने भी सैटेलाइट मार्स पे भेजा करीबन मोर देन 6,000 करोड़, और हमने सिर्फ 450 करोड़ में किया। और कमाल की बात यह है, देखिए कि मेरी फिल्म 2.0 का बजट 500 करोड़ था। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि मंगलयान की कामयाबी और चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भला क्या रिश्ता है। दरअसल मिशन मंगलयान की लॉन्चिंग भी एक बार टाल दी गई थी। मंगल मिशन को 28 अक्टूबर को ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग 5 नवंबर तक टाल दी। मिशन चंद्रयान 2 को अक्टूबर 2018 में लॉन्च करना था। इसके बाद लॉन्चिंग टाल कर नई तारीख 3 जनवरी 2019 तय की गई। फिर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की अगली तारीख 31 जनवरी कर दी गई। इसके बाद 15 जुलाई को मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च होने ही वाला था कि उसे रोक दिया गया। इसरो के जो कलीग्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया कि थोड़ी सी भी परेशानी जो थी उसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि उसको रोक दिया जाए। तो वो अपने अंदर एक बड़ा टेस्ट था, सारे पैरामीटर्स चेक करने में ये पता लगा कि हीलियम का जो टैंक है उसका प्रेशर कम हो रहा है, तो रोकना जरूरी था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन मंगलयान के लॉन्चिंग के वक्त
हर बारीकी को कई बार जांचा परखा और उसी का नतीजा रहा कि भारत ने पहली ही कोशिश में मिशन मंगल को पूरा कर लिया, जबकि चीन और जापान जैसे देशों का मंगल तक पहुंचने का मिशन नाकाम हो गया था। मतलब साफ है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी तरह के नुकसान का कोई चांस नहीं लेना चाहते। दूसरे देशों की तरह भारत किसी मिशन में करोड़ों का नुकसान नहीं सह सकता, इसलिए भले लॉन्चिंग में थोड़ी देर हो जाए लेकिन लक्ष्य यह है कि मिशन 100% कामयाब होना चाहिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं अब की बारी चंद्रयान 2 की पूरी तैयारी। दो खास मेहमान जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, दोनों वैज्ञानिक हैं। निमिष जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि लॉन्चिंग जिस तरीके से टली चंद्रयान 2 की और उसके बाद फिर से एक नई तारीख सामने आई, आज 2:43 पर चंद्रयान 2 अपने सफर पर जाएगा, ये मिशन कामयाब होने का जो चांस और बढ़ गया है, इसके पीछे तर्क क्या है? बिल्कुल, क्योंकि जो भी तकनीकी खामी थी वो पकड़ ली गई, यानी ये सफलता का द्योतक है कि उसको वहाँ पर संभाल लिया गया। और अब क्योंकि जो उसका सर्कुलर पाथ है उसको कम कर दिया गया है, तो जो तय तारीख थी 6 या 7 सितंबर, तो उसी तारीख में वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी अभी तक प्लानिंग थी उसी के हिसाब से इसरो काम कर रहा है और किसी तरह का कोई डिले की उम्मीद नहीं है। मतलब चांद के लिए सफर पर निकलने में भले ही 1 हफ्ते का डिले, लेकिन चांद पर उसी समय पहुंचेगा जिस पर अगर 15 जुलाई को निकल जाता तब पहुंचता। जी, क्योंकि जैसा पहले भी बात हो चुकी है कि जो चांद पर एक दिन होता है वो जो हमारा जो धरती का एक दिन है वो चांद का 28 दिन का समय होता है, और जो वहां पर रोशनी होती है वो 14 घंटे हम मान के चले 14 दिन का एक दिन होता है वहां पर। तो वो 14 दिन जो है उसका उस रेशियो के हिसाब से और उसके आकलन के हिसाब से बहुत ज्यादा डिले करना उचित नहीं है। इसीलिए इसरो ने जो सारी गणनाएं की हैं, जो हमारे चांद की स्थिति है, जो दक्षिणी ध्रुव पर जो उतरेगा, जिस जगह पर जो जगह चिन्हित की गई है 2 ज्वालामुखियों के बीच में, वो सारी बातों को देखते हुए बहुत ज्यादा डिले करने से फिर वहां पर अंधकार आ जाता, तो वो जो भी पर्याप्त रोशनी उस समय वहां पर होगी, जो दिन का समय होगा, वो जो 14 दिन का समय है जो चंद्रमा का एक दिन होगा, उसमें वो रोवर जो है वो वहां का मिट्टी के आंकड़े नमूने एकत्र करेगा। ये जो बात आप कह रहे हैं इसी को मैं बढ़ा लेती हूँ आगे, अंशुमन के पास मैं रुक करती हूँ। अंशुमन, इसरो डेटा कलेक्ट करेगा, लेकिन एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो हमारा इसरो है वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो सारा डेटा नासा के साथ शेयर नहीं करेगा, इसका क्या असर देख रहा हूँ? देखिए, जो भी डेटा है, जो मिशन हमारा है, नासा की अगर आप बात करते हो, उन्होंने करीब अपोलो 11 से अपोलो 17 मिशन भेजे, उन्होंने काफ़ी डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किए, इवन रॉक सैंपल भी उनके पास है। भारत के लिए चंद्रयान 1 हमने जब भेजा था तो उसमें हमने ऑर्बिटर से ही डिटेक्ट किया दूर से कि ओके पानी है और भी क्या वहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए, बट कभी हम उतरे नहीं। पहली बार हम साउथ पोल पे जा रहे हैं, रोवर जो भी एनालाइज करेगा पानी जो है वहाँ पे मिनरल्स क्या हैं उनको एनालाइज करें, हमारे लिए महत्वपूर्ण एक कदम है आगे के मिशन के लिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। इवन 2022 में जैसे आपने बताया कि इसरो प्लान कर रहा है कि हम मैन मिशन भी भेजेंगे, तो उसके लिए इससे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कि हाँ हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम जा सकते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमारे पास खुद का डेटा है, खुद का एनालिसिस हम उस पर करेंगे, जो भी होगा वो हमें फ्यूचर मिशन के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। जी बिल्कुल, मैं अब दर्शकों को सीधे श्रीहरिकोटा लेकर चलती हूँ। श्रीहरिकोटा से हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, हम लगातार देशभर से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके का उत्साह इस वक्त हर भारतवासी को, और आप तो खुद श्रीहरिकोटा में मौजूद है जहां से चंद्रयान 2 चांद के सफर पर निकलने वाला है, वहां पर बताइए जरा इस वक्त किस तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। देखिए बिल्कुल रुमाना, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि यहाँ का माहौल आपको दिखाए पैन करके, एक तरह से जो है श्रीहरिकोटा का ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि पूरी तरह से सेल्फी पॉइंट बन गया है, जहाँ पर क्योंकि इस बार विजिटर्स को काफी अलाउ किया गया है और यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में विजिटर्स पहुंचे हुए हैं और खासा एक्साइटमेंट देखा जा रहा। हालांकि बड़ी संख्या में जो विजिटर्स यहाँ पर थे वे ऑलरेडी व्यूअर्स गैलरी में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में हमें भी मीडिया सेंटर में जो है जाने दिया जाएगा, जहां से हम लगातार चंद्रयान 2 मिशन को लेकर सारे अपडेट्स जो है वो करेंगे।
एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है क्योंकि जिस तरह से जुलाई 15 को लास्ट स्टेज पर हमें जिस तरह से टेक्निकल ग्लिच का पता चला था उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट जरूर हाथ लगा था जो लोग यहां पर मौजूद थे, लेकिन उनका यह भी कहना था कि ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि हमारे साइंटिस्ट इतने सक्षम है कि आखिरी स्टेज पर हमने वो टेक्निकल ग्लिच जो है पता लगाया और यही कारण है कि आज पूरी तरह से इसरो तैयार है अपने मिशन को लेकर, रिहर्सल पूरी तरह से हो चुकी है और इसरो चीफ के सिवन ने खुद कहा है मीडिया से कि पूरी तरह से सारे टेस्ट हो चुके हैं और किसी भी तरह के टेक्निकल ग्लिच का अब कोई संभावना नहीं रह गई, यानी साफ तौर पर जैसे जैसे ये काउंटडाउन खत्म हो रहा है वैसे वैसे भारत एक ऐतिहासिक पल की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बैक टू यू रोमाना। अच्छा जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए आप इस वक्त दर्शकों को कि श्रीहरिकोटा में इस वक्त मौसम कैसा है, आसमान साफ या कुछ बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं? देखिए रुमाना, बादल है, बारिश भी लगातार हो रही है हल्की हल्की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बारिश का असर जो है वो इस मिशन पर नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये पहले ही जो है इसरो की ओर से भी साफ कर दिया गया और पूरी तरह से मिशन को इस तरह से तैयार किया जाता है कि किसी भी हालात में अगर इस तरह का मौसम रहता है तो किस तरह से इसे टैकल करना है और मिशन का जो है प्रक्षेपण करना है। जी जी चलिए आप रहिए हमारे साथ पिंकी, मैं आगे आपके पास आती रहूंगी। फिलहाल आपको जल्दी से लेकर चलते हैं आदर्श के पास क्योंकि आदर्श इस मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ी एक नई जानकारी इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। आदर्श जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी है इस मिशन से जुड़ी, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को पहले टाइमर दिखा दे, एक बार काउंटडाउन दिखा दे। 2 घंटा 59 मिनट और 22 सेकंड का समय बचा है चंद्रयान की लॉन्चिंग में और सबको इंतजार है कि कब ये चंद्रयान लॉन्च होगा और उसके बाद फिर एक इंतजार शुरू होगा चांद पर पहुंचने का और उम्मीद यही करेंगे कि परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं भारत के लिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। और इस मिशन के पीछे, ये जो पूरा मिशन है, इस मिशन के पीछे कौन है, 2 महिलाएं हैं, मैं आपको बता दूं उन दोनों के बारे में एक बार बता देते हैं आपको। देखिए वनिता मुथैया है जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और ऋतु करिधल है मिशन डायरेक्टर है। ये 2 महिलाएं इस पूरे मिशन की कमान संभाले हुए हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। वनिता डाटा हैंडलिंग में एक्सपर्ट हैं, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के मिशन के लिए क्योंकि डाटा जो रोवर से आएगा और जो तमाम डाटा इकट्ठा किया जाता है जिसके जरिए ये पूरा मिशन प्लान किया जाता है उसमें बहुत अहम रोल होता है और समस्या सुलझाने और टीम नेतृत्व की क्षमता है वनिता की, इसको लेकर तमाम चीजें इस पूरे मिशन में जो कुछ है, जो उनके गुण है, जो उनकी क्वालिटीज है, वो इस मिशन के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। और चंद्रयान 1 से मिलने वाले डेटा का भी विश्लेषण विनीता ने किया था, उस सारे डेटा की उनको जानकारी है, उसी के हिसाब से इस मिशन की प्लानिंग हुई है। लॉन्चिंग से लेकर मिशन पूरा करने का जिम्मा विनीता मुथैया का, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इस पूरे मिशन की, उनका है और डिजाइन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली है विनीता ने। यह सबसे खास बात है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड भी विनीता को मिला हुआ है। और अब देखिए ऋतु करिधल जो कि मिशन डायरेक्टर हैं, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, इनके नाम के साथ ये तमगा जुड़ा हुआ है। मार्स ऑर्बिटर मिशन में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर रही हैं ऋतु और तमाम तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है उस मिशन को। सैटेलाइट के कक्षा में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को देखेंगी, जब सैटेलाइट पहुंचेगा कक्षा में तो वहां पर किस तरह से क्या कुछ हो रहा है ये तमाम नजर उनकी बनी रहेगी। चंद्रयान 1 में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी, जो कुछ उस मिशन में हुआ वहां से जो सीख मिली उसका पूरा इस्तेमाल अब इस चंद्रयान 2 मिशन में हो रहा है। एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की डिग्री है ऋतु करिधल के पास और वह बहुत अहम हो जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है और 2 महिलाएं भारत के इस सबसे महत्वपूर्ण मिशन की कमान उनके हाथ में है। और 2007 में पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने इसरो यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी ऋतु करिधल को दिया था। 20-21 सालों से इसरो के प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है, लंबा अनुभव है ऋतु करिधल के पास।